में नहीं आता ना। सारे पैसेंजर हमारे साथ के, आप कोटा से ही हैं? ड्राइवर अपने गाड़ी में बैठ चुके हैं लेकिन सवारी नहीं आए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं किरण नेगी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए एक और न्यू ब्लॉग, और आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने। अब कहाँ घूमने जा रहे हैं ये पता नहीं है। चलो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। हम अभी पता नहीं है कुछ, पर जा रहे हैं। और दो दिन से कोटा में बहुत बारिश हो रही थी, आज थोड़ा सा धूप आया, मतलब कभी धूप कभी छाँव, और मौसम ठीक ठाक हो रखा है। गर्मी भी हो रही है पर जब हवा चल रही है तो मौसम अच्छा है। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं ये हमें पता नहीं है। चलो चलते हैं। और देखो नेगी जी, हाई नहीं करोगे मेरी जान? हाई तो करो। और इधर ही हम कार पार्क करेंगे, देखते हैं जगह मिलती है नहीं मिलती। बहुत सारी गाड़ी खड़ी है। दोस्तों आज हम आ रखे हैं सेवन वंडर्स में, बोटिंग का मजा लेते हैं। देख किरण को लग रहा है डर, हमने टिकट ले लिया। वैसे 300 रुपए के दो टिकट ले लिए हमने। मुझे डर लग रहा है, मैंने किसी को कहूं किसी और को लगा मुझे। यहाँ पे लाइफ जैकेट और लाइफ जैकेट पहन के जाना पड़ेगा हमको। चलो लाइफ जैकेट पहनते हैं। मेरे तो बिल्कुल और जाने कैसे लग रहा है किरण? किरण को पूछता कैसे लग रहा है, बिल्कुल डर लग रहा है। नेगी जी जीत कर रहे हैं, बोल रहे नखरा मत करो, पर नखरे चला गया भैया। अभी हमको लाइफ जैकेट पहना रहे हैं, ये जरूरी है वैसे बोटिंग करने से पहले। तैरना भी नहीं आता वैसे। हाँ मैं नहीं आता ना। चलो फिर किरण ने भी पहन लिया जैकेट, कैसा लग रहा फिर? वैसे पहली बार बोटिंग, पहली बार क्यों? कन्याकुमारी में नहीं गए थे? हाँ नैनीताल भी गए थे। चलो चलो चलो, देखो पानी के ऊपर किस तरह से वो रुका हुआ है। चलो फिर अभी हम भी चलते हैं। चलो चलो चलो, तो फिर अभी चलते हैं बोट में। तो दोस्तों अभी बोट में चढ़ चुके हैं हम, लाइफ जैकेट भी पहन लिए। लाइफ जैकेट बहुत जरूरी है भैया, और किरण को पकड़ के रखना पड़ेगा ढंग से, जरा सा डर लग रहा है ना, डर भी लग रहा है। लेकिन पैसेंजर पूरे आए नहीं, ये सारे पैसेंजर हमारे साथ के अभी, लेकिन बोट थोड़ा खाली से लग रही है। यहाँ पे वैसे एक चेतावनी भी लिखी हुई है कि चलती बोट पे खड़े होना सख्त मना है। चलो तो अभी हमारी बोट हमारी चलने वाली है। यस, तो अभी हमारी बोट चल चुकी है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो राजस्थान में इस तरह से समुद्र जैसा लग रहा है ना। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, किनो कौन सी पिक्चर थी जिसका शूट हुआ था यहाँ पे? बद्रीनाथ। हाँ बद्रीनाथ की दुल्हन में एक गाना है, वो यहीं पे शूट हुआ था। और इसके बीच में ये हॉर्स भी लगाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। Thank you.
सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो सेवन वंडर्स है, और उस पिक्चर का जो शूटिंग था ना इस सेवन वंडर्स में हुआ था। तो अभी हम चलते हैं सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सामने जग मंदिर जिसमें कि हम चलते हैं, और यहाँ पे ये 10-15 मिनट हॉल्ट होगा, उसमें भी देखेंगे इसके अंदर क्या है। तो ये जो पहले लोग आए ये यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो इस बोट में ये लोग वापस जाएंगे और हम यहाँ पे थोड़ा 10-15 मिनट के लिए घूमेंगे। अब यहाँ पे जैकेट को उतारना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे ये बोट को बांध दिया है, तो ये है दोस्तों जग मंदिर, लेकिन पता नहीं अभी मंदिर है कि नहीं, महल जैसा लग रहा है। चलो अंदर जाके देखते हैं हम क्या है ये एक्चुअली में। बिजी हो गई अपने शॉर्ट्स बनाने में, रील बनाने के लिए। चलो अब इधर से चलते। अच्छा यहाँ पे मंदिर है, इधर से आओ। यहाँ पे हमारे नंदी भगवान है शिव शंभू। चलो इस साइड चलते हैं। 10 मिनट में करने तुम्हें सब कुछ। दोस्तों वो सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये है सेवन वंडर्स, जहाँ पर कि वो पिक्चर थी ना बद्रीनाथ की दुल्हनिया, उसकी भी शूटिंग हुई थी, और एक गाना इसी में शूट हुआ था मोटर बोट में, जैसे ये लोग जा रहे हैं ना, और एक मोटर बोट ये वापस जा रहे हैं अभी ये लोग। तो अभी चलते हैं, इसका वो जो है ना ऊपर भी कुछ है, तो हम चलेंगे ऊपर। वो लोग देखो जैसे ऊपर से घूम के आ गए हैं, और इसके अंदर देखते हैं क्या है। हाँ हाय, किरण को बहुत डर लगता है पानी से। और वो सामने वहां से आए थे हम, तो चलो अब चलते हैं ऊपर। ओह क्रिया, और गाने में जो दोस्तों वरुण धवन जो गाना गा रहा था ना इसी में गा रहा था, देखो मोटर बोट में, और इस तरह से बैठे हुए चिड़िया, चिड़िया नहीं करती बीट, लेकिन किरण बोल रही कि चिड़िया का बीट करना अच्छा होता है। अच्छा होता है चिड़िया का बीट करना, पर चिड़िया का अच्छा। कौवे तो नहीं ऊपर बैठे, कौवे नहीं, कबूतर बैठे हुए। और किरण डर के मारे ऊपर भी नहीं गई, इतनी डरपोक है कसम से। डरपोक वाली की बात है, ऊपर जाके मैंने करना क्या था पहले, ये क्यों नहीं करना था, जब आए तो घूमने के लिए आए ना सब जगह, इस जगह में मैं नहीं जा पा रही थी तो मैंने। अच्छा,
थे और कह रहे थे कि आप ब्लॉगरों में लिखा, हाँ मैंने कहा मैं आपको ले लूँ वीडियो, मैंने कहा आप कोटा से ही हैं? कोटा से ही हैं आप? नहीं मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ लखनऊ से। अच्छा थैंक यू तो हमारी बोट आ चुकी है और अब हम जाएंगे इस बोट पे। तो हमारी बोट अभी पहुंच चुकी है, चलो हम भी अभी एक एक करके उतरते हैं यहाँ से। तो दोस्तों बोटिंग भी हो चुकी है और अब चलते हैं हम वापस, देखते हैं ऊपर क्या है, खाने पीने का कुछ तो होगा है ना, मैं तो नारियल पानी पीऊंगी। हाँ फिर तो वैसे भी होश उड़ गए होंगे क्योंकि बहुत डर लगता है पानी से। ऊपर गई नहीं, जल महल में ऊपर नहीं गई, जल महल नहीं जग मंदिर है वो। अच्छा वो म्यूजिक और बोटिंग भी हो चुकी है और हम आ चुके हैं। पता है मेरे तो बुरे हाल हो गए डर के मारे। ऐसा नहीं है मैं तो कहाँ पर, कन्याकुमारी ना, कन्याकुमारी भी मैसूर के कन्याकुमारी में भी मैंने बोटिंग की थी और नैनीताल में भी और यहाँ भी, पर फिर भी मुझे बहुत डर लगता है पानी से। तो दोस्तों यहाँ पर ना म्यूजिकल फाउंटेन भी चलता है, थोड़ा सा देखते हैं। हमने पहले बहुत पहले देखा था वो, तो 2-3 साल पहले, चार साल पहले। तो अभी उसको देखते हैं कि कैसे चलता है ये। वैसे हमने मैसूर में भी देखा था, तो देखते हैं चलो। तो दोस्तों ये है म्यूजिकल फाउंटेन, बजरंग बली भी घूम रहे हैं ऊपर, हनुमान जी भी जा रहे हैं ऊपर। हाँ तो कैसा लगा फिर बोट में घूम के? डर तो बहुत लगा होगा। डर के आगे जीत है, अभी वो क्या पीते हैं, बहुत डरती है, अभी ड्यू पिलाएंगे। अब देखो दोस्तों कितनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये इसके बगल में जो है ना सीवी गार्डन है, सीवी गार्डन में वो देखो टॉय ट्रेन चल रही है, बच्चे खूब। हाँ और टॉय ट्रेन का मजा लेते हुए बच्चे लोग। तो दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकले हैं, मौसम अच्छा हुआ, मतलब नहीं तो बारिश काफ़ी हो रही थी, मानसून भी मानसून स्टार्ट हो गया था लग रहा था। नहीं दोबारा से गर्मी आ गई है। हाँ अभी लेकिन बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, 2 दिन से बारिश है, पर आज इतनी सड़ी गर्मी है कोटा में की बता नहीं। हवा नहीं चल रही ना एक्चुअली, थोड़ा सा हवा चल जाए तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन बहुत मस्त मज़ा आ रहा है। बाय, बंदर आएगा ना देखना। ओ देख हो गया। और यहाँ पे ड्राइवर साहब बैठ चुके हैं,
ड्राइवर अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं लेकिन सवारी नहीं आए, सवारी पीछे घूम रहे हैं। ये देखो डरा रहा मेरे को ड्राइवर, और कुछ पैसेंजर ऊपर सो रहे हैं। दोस्तों ये किशोर सागर तालाब और उसके बीच में देखो 9 घोड़े 9। तो दोस्तों अब लग रहा है टाइम हो गया जाने का, इसे लाइट भी ऑफ हो गई है और हम भी अब चलते हैं घर की तरफ। चले लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है, मस्त हवा चल रही है, अभी मौसम अच्छा हो गया, पहले से गर्मी थी अभी अच्छा हो गया मौसम। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।